नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी शुक्ला। बीजेपी नेता के हत्यारोपी को मारी गोली। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरखावल क्षेत्र के ग्राम पावटी खुर्द झाल के निकट कार सवार बदमाशों ने बाइक पर तारीख पर जा रहे दो भाइयों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें एक भाई गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे भाई ने एक के खेत में कूद कर अपनी जान बचाई। वहीं घायल को उपचार के लिए CHC में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। भारी पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के ग्राम मुथरा निवासी कंवरपाल व रविन्द्र सहारनपुर जनपद के थाना देवबंद क्षेत्र के बीजेपी नेता धारा सिंह की हत्या के आरोप में जेल गए थे। वर्तमान में वह जेल से जमानत पर बाहर चल रहे थे। आज उसी हत्या के मुकदमे के संबंध में न्यायालय बाइक पर तारीख पर जा रहे थे, तभी कार सवार बदमाशों ने बाइक के आगे कार को रोककर दोनों भाइयों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें एक भाई ने ईख के खेत में कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि दूसरा भाई कंवरपाल गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। वहीं पुलिस ने गंभीर रूप से घायल कंवरपाल को CHC चरथावल में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत होने के चलते उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई है। CEO सिटी कुलदीप सिंह ने बताया कि कुछ समय पहले बीजेपी नेता धारा सिंह की हत्या कांड में दोनों लोग आरोपी थे और जेल से अभी छूटे थे। कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध है, पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। विशाल प्रजापति, पवन, मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, एक अभी पेशेंट आया गोली लगा, क्या मामला? जी, एक मरीज आया था अभी, उसको राइट साइड में नीचे पेट की तरफ गोली लगी हुई थी और वैसे तो ठीक था, गोली अंदर रहे, वैसे गोली का जाने का भी निशान है और बाहर निकलने का भी निशान उसमें है, पर उसको बाकी हमने एग्जामिनेशन के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया है। उसमें पता चलेगा अंदर कुछ छर्रे वर्रे अगर होंगे तो। कौन सा, कहाँ का रहने वाला था? मुथरा विलेज का है, मुथरा गांव का रहने वाला है, कंवरपाल। जब कितनी गोली लगी है? अब ये तो एक, वैसे तो हमें एक ही गोली का निशान दिख रहा है, अब बाकी वो अल्ट्रासाउंड करके पता चलेगा अंदर जो भी मिलेगा उसमें। ये एक मामला जानकारी में आया है, चरथावल के ग्राम मथुरा के रहने वाले हैं कुंवरपाल, जिनको गोली मारने का मामला संज्ञान में आया है। और उन्होंने, वो और उनके भाई रविंदर, दोनों लोग जा रहे थे और उन्होंने बताया कि कुछ लोग आए, स्कॉर्पियो से आए और उन्होंने जो उनको गोली मार दी। उनको घायल अवस्था में उनका उपचार चल रहा है, लेकिन अभी ये भी जानकारी में आया है कि कुछ दिन पहले 12 अक्टूबर को ही एक हत्या हुई थी, बीजेपी नेता की हत्या हुई थी, वो सभासद थे इसमें देवबंद थाना क्षेत्र के, उनकी हत्या में दोनों भाई जेल गए थे और अभी विगत 10 अक्टूबर को ये लोग जेल से छूटे हैं और इनकी तरफ से जो भी तहरीर आएगी उसको हम लोग दर्ज करके अभी जो है जांच हम लोगों ने शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया देखने से मामला कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उसी मर्डर के, जो इन्होंने मर्डर किया था उन्हीं के जो परिवारिकजन है उनको इसमें नामजद किया गया है, उसकी बहुत ही गहनता से जाँच की जा रही है और जो घायल है वो खतरे से बाहर है, उनका जो उपचार कराया जा रहा है। कोई गिरफ्तारी अभी कुछ नहीं है।